आज का शुभ संदेश, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, बहुत सुंदर विषय है। इसका अर्थ यह है कि न तो बाप बड़ा है न भाई बड़ा है, सबसे बड़ा रुपया है। और आप मुझे पूछो कि संसार का भगवान कौन है, एक दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि रुपया पैसा धन दौलत यही संसार का भगवान है। संसार का भगवान क्यों है कि आप घर से बाहर निकलते हो और आप पर्स लेके नहीं निकले हो, आपकी जेब में पैसे नहीं हो तो पहले कदम पे आप अटक जाओगे। आपको कोई चीज परचेज करनी है, पेट्रोल डलाना है, आपके जो है चौपहिया दुपहिया में हवा डलवानी है, छोटा से छोटा भी कार्य करना है तो पैसे की आवश्यकता होगी। तो पैसा हमारा एक साधन है। पुराने जमाने के अंदर बार्टर सिस्टम था, तो कोई भी किसान होता था अपनी फसल को मार्केट में लाके उसकी जगह कपड़ा खरीद लेता था, कपड़े का व्यापारी अनाज खरीद लेता था, सब्जी खरीद लेता था, जूते यानी जो जो आवश्यकता थी वस्तु विनिमय होता था। और अब ये रुपया पैसा आ गया तो हमें पैसा आवश्यक है, हम इसमें कहीं पर भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुविधा सब जो ये सारी सुविधाएं पैसे से आती है, तो वहां पे फॉर्मूला सही लगता है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि हमारी आवश्यकता है, वो हमारा साधन है। लेकिन पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। आपकी समस्त सुविधाएं जब पूरी हो जावे, परिवार का भरण पोषण हो जावे, राष्ट्र का देश का समाज का भी काम कर लो, उसके अतिरिक्त जो आप अर्जन करते हो परिग्रह करते हो संग्रह करते हो वो आपका ग्रीड है, वो आपकी लोभ है और वो अन्याय है, वहां पर ये फार्मूला लागू नहीं होता है।